कबरई पत्थर मंडी में अक्सर आए दिन की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के एक के बीच में दहर्रा 3 नंबर पहाड़ में काम कर रहे थे मजदूर, जिससे गिट्टी लेने जा रहा था नीचे ट्रक, और वो ट्रक गिर गया है और नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे तो एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी। और जब यहाँ पर अस्पताल में पता किया गया कि 2 मजदूर भी घायल थे, लेकिन अभी बता रहे हैं कि उनको झांसी ले जाते समय एक मजदूर की और मौत हो गई। इनकी मौत हो गई पापा ये पहाड़ हिला ऊपर गिर गया। आप कहाँ पहाड़ में गए थे? हम कुल पहाड़ में थे पहले, अभी आए। 3 बहन 2 भाई। हाँ पापा सुबह से क्या करते हैं? यही होल करते हैं। जानकारी जब से हम पैदा हुई जब से कर रहे हैं। हाँ पहाड़ी के काम है, इधर कोई काम ही नहीं, सब यही करते। तुम लड़का था उनके? आप कौन? भाई ये चाचा दादा का लड़का है। दादा की लड़का? हाँ। तुम रहते कहाँ? गजराज। तो कहाँ से? आज गाँव बमोरी के हैं, कबरई में रहती थी। इस घटने के बारे में कैसे आपको पता चला? हमको फोन आया, हम ऐसे रिश्तेदारी में थे तो हमको फोन मिला और हम तो तैयार हैं यहाँ पे। क्या बताया गया था? बाहर से ठेला पलट गई। कहाँ पर डेड बॉडी? दो लड़का है। चार बच्चे? हाँ दो। हाँ कब से पहाड़ में काम कर रहे हैं? शुरू से काम कर रहे हैं। ट्रक वाले के? ट्रक वाले की? अरे अरे जी सब वहाँ चला। सर जो दहर्रा पर पहाड़ में घटना हुई है उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? जिला चिकित्सालय महोबा में दबने का मामला आया हुआ है, कैजुअल्टी हुई है, जिसको जिला चिकित्सालय महोबा में 2 पेशेंट आए हुए थे। 2 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है, जिसमें दोनों पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिन्हें जिला चिकित्सालय महोबा से झांसी मेडिकल कॉलेज के रेफर किया गया। 1 पेशेंट एक्सपायर आया था, जिसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा दिया गया। पोस्टमार्टम उसका ये पहली घटना नहीं है। मैंने एक कवरेज और किया था, जब भी मैंने ये जिक्र किया था कि खनिज विभाग से, तो खनिज विभाग में ये भी पता चला था कि व्यवस्थाएं तो सारी होती हैं पर हम नहीं बता सकते हैं, कहीं झांसी के बताएंगे, कहीं लखनऊ के बताएंगे, कहीं के बताएंगे, ऐसा टाल दिया गया था। आखिर साहब जिन घर के मजदूर मजदूरी करते हैं उनकी मौत हो जाती है तो उनके घर का तो चिराग ही बुझ जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम से क्यों जीरो रहता है? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।